आज हम तरबूज का शरबत बनाना सिखा रहे हैं। ये मौसमी शरबत है, समर का शरबत है, बहुत मज़ेदार बनता है और गर्मी में आप लोग इसे बनाएं, इंजॉय करें। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ानों में भी बहुत अच्छा होता है। आज मैं आपको दो तरीके से तरबूज का शरबत बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा। ये तुख में मलंगा है, मैंने इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था, और ये काला नमक है, ठीक है। और ये मैंने तरबूज को काट लिया है, छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं और इसमें से बीज बिल्कुल निकाल दिए हैं। और हमें कोई भी लाल शरबत चाहिए होगा जो कि हम ये जो फर्स्ट मेथड वाला शरबत बना रहे हैं उसके लिए। और एक गिलास हमने पानी लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ये लाल शरबत डालेंगे। अच्छा, इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं डालती, बिल्कुल भी नहीं डलती। इसमें हम सारे ये जो तरबूज हैं ये डाल देंगे, ये सारा अपना तुख में मलंगा डाल देंगे, सॉरी। और थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इन सारी चीज़ों का मिक्स करके। और जब हम सर्व करेंगे तो इसमें हम बर्फ डालेंगे। बस ये देखिए, ये आसान सा हमारा, बहुत आसान सी रेसिपी है। और ये हमारा शरबत तैयार हो गया है। अब इसमें देखेंगे तरबूज भी आएगा, इसमें मलंगा भी आएगा। और इसको आप आसानी से, तरबूज को आप खाते वक्त आपको ये नहीं होगा कि इसमें बीज आ रहे हैं या कुछ आ रहा है, आप आराम से खा सकते हैं। इसमें अब हम एंड में वो करेंगे। अब हम नाज़रीन सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक बॉल मैंने तरबूज लिया, इसको भी मैंने काट लिया, इसमें भी मैंने सारे बीज इसमें से निकाल दिए हैं। इसको अब हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी, तरबूज अपना ही पानी छोड़ेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे, बस। इसमें भी हम चीनी वीनी कुछ भी नहीं डालेंगे, बस अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। और जब ये थोड़ा ग्राइंड हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम क्यूब्स डालेंगे बर्फ के। खासा ये मिक्स हो गया है, अब इसके अंदर हम ये बर्फ डाल देंगे और थोड़ा सा एक मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। आइए नाज़रीन, अब इसको भी हम सर्व करते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हम बीज निकाल लेंगे तो इसको हमें फिर छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। इसमें भी हम थोड़ी सी और डालेंगे। और ये मैंने आपको दोनों तरीके से शरबत बनाना सिखा दिए हैं।
और ये आप अपनी घर में बनाइए, रमज़ानों में भी बनाइए, इस मौसम में भी बनाइए, गर्मी बहुत है, शरबत बना के रखिए और पिए। और आइंदा आने वाली रेसिपीज़ में मैं आपको और भी सारे बहुत सारे शरबत बनाना सिखाऊंगी, शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।